दोस्तों, आज से ठीक 7 साल पहले अनाउंस की गई थी टाइगर श्रॉफ की एक फिल्म रेमबो, जो कि उस वक्त की बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होने जा रही थी। लेकिन दोस्तों, फिल्म से उस वक्त एक धमाकेदार पोस्टर के साथ फिल्म को अनाउंसमेंट करने के बाद फिल्म को पोस्टपोन किया गया था। तो किस वजह से फिल्म को उस वक्त पोस्टपोन किया गया था और क्या थी वो बड़ी वजह, और अब क्यों पूरा 7 साल के बाद फिर से स्टार्ट होने जा रही है दोस्तों ये फिल्म, तो आइए जानते हैं फिल्म को डायरेक्ट कौन कर रहा है, फिल्म कब तक देखने को मिलने वाला है, स्टार कास्ट को लेकर क्या कुछ खबरें हैं दोस्तों, बात करेंगे इस बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको फिल्म से बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, बैंग बैंग वॉर और पठान और फाइटर जैसी बहुत ही खतरनाक फिल्मों को बना चुके दोस्तों सिद्धार्थ आनंद। रेमबो इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी 2017 में अनाउंसमेंट की गई थी और 2019 में फिल्म पर काम भी चालू हो चुका था। यह एक जंगल बेस्ड बड़ी हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म थी, लेकिन 2020 में पेंडेमिक के कारण लॉकडाउन लग गया, जिस वजह से दोस्तों उस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, यह सिद्धार्थ आनंद का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस फिल्म को लेकर दोस्तों सिद्धार्थ आनंद ने काफी मेहनत की है, और इसलिए अब खबरें आ रही कि फैंस की भारी डिमांड थी इस फिल्म को लेकर, जिसकी वजह से खबरें आ रही है कि वो फिल्म दोबारा बनाने जा रही है। वो भी स्क्रिप्ट पे आज के लोगों के लिए बहुत कुछ चेंज किया गया है, ताकि ये फिल्म फैंस को बहुत पसंद आए। और खबरें यहाँ तक कि फाइटर रिलीज होने के बाद रेमबो फिल्म पर काम चालू होने वाला है। और बात करें स्टार कास्ट की, तो स्टार कास्ट को लेकर रूमर्स है टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म में 3 एक्टर नजर आ सकती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों वो 3 एक्टर कौन कौन है। तो पहला एक्टर दोस्तों जो पठान में काम किया था, दीपिका पादुकोण। दूसरा दोस्तों रश्मिका मंदाना, जो हाल ही में एक बड़ी फिल्म रिलीज हुआ है जिसका नाम है एनिमल, ये एक्टर उसने काम किया था। और बताया जा रहा है दोस्तों रेमबो पर जाह्नवी कपूर भी होने वाली है, और हालांकि दोस्तों इन बातों में कितनी सच्चाई है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, ये तो पक्का है कि सिद्धार्थ आनंद ने पठान से भी ज्यादा खतरनाक मूवी बनाने जा रही है। और हालांकि कुछ खबरें ये भी है कि ये फिल्म हॉलीवुड की रेमबो का एक इंडियन वर्जन होने वाली है। लेकिन दोस्तों, फिल्म मेकर्स ने इसके बारे में अब तक कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ ये फिल्म जबरदस्त होने वाली है, जो पठान से भी ज्यादा खतरनाक एक्शन डाला जाएगा दोस्तों इसमें। और बात करें फिल्म आपको कब तक देखने को मिलने वाला है, तो खबर है कि 24 के लास्ट पे दिखने को मिलने वाला है। और ऐसे में दोस्तों, आप कितना एक्साइटेड हो टाइगर श्रॉफ और सिद्धार्थ आनंद की जोड़ी को वॉर के बाद फिर से एक बार देखने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक करें, और मूवी से ऐसी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।